सो गाइस आज की स्टूडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इन स्काई कॉमिक टूल्स का। तो इनको मैंने क्या बोलते हैं परचेज नहीं किया है, ये मेरे पास एक्चुअली मेरे को एक भैया ने गिफ्ट किए हैं। तो मेरे से वीडियो के पहले रहा नहीं जा रहा तो मैंने इसको खोल के देख लिया थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं वो तो चलता है। तो चलिए अब इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो नॉर्मल से ये ऐसे दो आपको ये स्टाइलस जैसे मिलते हैं, एंड इनकी जो बीक्स होती हैं ये मिलती हैं आपको, जो भी आप इन्हें कहें। एंड एक आपको मिलती है इरेजर, जिससे आप इंक इरेज कर सकते हैं। ये इंक इरेज करने वाली इरेजर है, पर उसके लिए स्पेशल इंक आती हैं जो कि मेरे पास नहीं है इरेज, तो इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा। एंड ये आपको पाँच तरीके की यहाँ पे बीक्स देखने को मिल सकती हैं, देख सकते हो आप। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एंड एक ये है। तो ये सारे अलग अलग नंबर्स की हैं, जैसे कि ये वन है, ये टू है, ये थ्री, फोर एंड फाइव। एंड जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो फोर है, क्योंकि इसका जो आगे से खुलने का मैकेनिज्म बहुत अच्छा रहता है, देख सकते हैं। देखना ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर इसमें ये थर्ड नंबर की बीक में उतना नहीं खुल पाता है, फाइव नंबर की बीक में भी अच्छा खासा खुलता है, ये देख सकते हो। तो चलिए अब मैं थोड़ी सी इंक लेता हूँ एंड हम कुछ इनसे ड्रॉ करके देखते हैं जल्दी से। तो ये तो ब्लू इंक है, हमें ब्लैक इंक चाहिए। एंड इसको निकालने के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए, मतलब कहाँ पे निकाल के रखूँगा मैं इसे, उसके लिए मुझे कुछ छोटा सा जो है ढक्कन सा चाहिए। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पतली निब को, तो ये है वन नंबर की निब, तो इसको मैं लगाता हूँ जल्दी से। देख सकते हैं आप ऐसा लग चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है। तो अब हम इसको डिप करेंगे इंक में एंड हम लिख के देखते हैं अब इससे। तो ऐसे कुछ हम लिख सकते हैं एंड इससे मैं मोटी से मोटी इतनी लाइन बना सकता हूँ एंड पतली इतनी पतली कुछ। एंड अभी तक भी खत्म नहीं हो रहा है, एक पर ही डिप करने में काफी देर तक चल रहा है, देख सकते हैं। तो इतनी देर कुछ ये चला है एंड अब हम ट्राई करेंगे सीधा फाइव नंबर की निब को। तो फाइव नंबर की निब है, अब इसको दोबारा देखते हैं, देख सकते हैं पूरी मैंने निब डुबा दी है। एंड अब मैं इसे लिख के देखता हूँ, ओह माय गॉड, इसका फ्लो तो कुछ ज्यादा ही है। ये देख सकते हैं, बस यहाँ मुझे इंक फ्लो कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि इंक कभी कभार बहुत ज्यादा ही निकल जा रही है। तो अभी इस निब को भी मैं निकाल देता हूँ, ये थी हमारी फाइव नंबर की निब। एंड अब मैं ट्राई करता हूँ फोर नंबर की, जो कि मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसका जो है ना निब का फ्लेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फ्लेक्स जितना अच्छा होगा उतनी मस्त आपकी हैंडराइटिंग आएगी। तो ज़्यादा ही भर दिया मुझे लग रहा है इसको ही, मैंने बाद में लेके देखना। ओह माय गॉड, दिस इज सम परफेक्ट कैलीग्राफी पेन। तो जो ये वाला है ये परफेक्ट है, मैं बता रही क्यों अपना ही नाम लिखे जा रहा हूं। तो ये जो ये वाली निब है ये मुझे काफी ज्यादा सही लगी है, पर इसमें एक दिक्कत आ रही है कि इसकी इंक बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है, देखते हैं कितनी देर तक चलेगी। तो कुछ इतनी बारी चल रही है,
चार नंबर की निब भी काफ़ी सही थी। अब थ्री नंबर को ट्राई करते हैं। मुझे कोई ऐसी निब चाहिए होगी जो काफ़ी देर तक चले, तो अब देखते हैं ये क्या देर तक चलने वाली है। इसको मैंने पूरा डिप कर दिया है, तो देखते हैं कितनी देर चलेगी। तो ये पिछले वाली से ज़्यादा चली है एंड ये अभी भी चल ही दी है। तो ये एक्चुअली जो है इनसे ज़्यादा देर तक चल रही है। एंड अब टू पे जाते हैं। मुझे लग रहा है टू बहुत ही ज़्यादा देर चलेगी, क्योंकि जो बाकी एंड इसमें एक इंक होल्डर भी मिला हुआ है, तो जो टू वाली निब है ज़्यादा देर चलनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ये एक इंक होल्डर लगा हुआ है जिससे इंक ज़्यादा देर तक रुकती है। मैंने डिप कर दिया पूरा एंड इंक होल्डर भी भर चुका है, तो देखते हैं ये कितनी देर चलेगा। तो कुछ इतनी लाइंस लगाई है सिर्फ ये टू नंबर वाली बीक ने एक बारी मतलब फिलअप करने के लिए। तो देख सकते हैं इंक होल्डर का कुछ तो काम आ रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है जो है हमारा इंक होल्डर। तो अगर आपको किसी भी निब की कैपेसिटी बढ़ानी है, बस ये इंक होल्डर उसके ऊपर लगा दीजिए, जो कि इस वाली एंड फोर वाली निब के ऊपर ही पॉसिबल है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगे पेन। एंड अब हम इससे कुछ ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, तो चलिए कुछ ड्रॉ करते हैं एक बढ़िया से पेज पे। पर एक दिक्कत है कि इसमें ये इंक होल्डर को पकड़ के रखना पड़ेगा मुझे। मुझे एक इंक बॉटल लेनी पड़ेगी अच्छी सी। सो गाइज, ऐसा कुछ हमारा ये स्पाइडरमैन बना है एंड मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इनको यूज़ करने के बाद। एंड मैंने ये सिंगल पेन से बनाई है, सिर्फ ये टू नंबर वाली बीक्स बनाई है मैंने पूरी की पूरी। तो कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अच्छी वीडियो को तो लाइक कर देना, चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।